आज नया टॉपिक शुरू करना था, है ना। पशुपालन, पशुपालन कर लेते हैं आज। पशुपालन, पशुपालन का जो टॉपिक है वो दो पार्ट में है, दो पार्ट में विभाजित है। विभाजित क्या, दो टाइप के हैं। एक तो सामान्य जो पशुओं की नस्ल क्या है, पशुओं की नस्ल कहाँ कहाँ पाई जाती है, और एक है पशु गणना। पशु गणना, ये जो पशु गणना है वो आपको वहां मिलेगी, यूट्यूब पर मिल जाएगी, पूरी करंट का डाटा नहीं है, मिल जाएगी। मैंने लिया हुआ एक वीडियो बनाया था उसका, जिसमें पशु गणना के अपडेट, जो नई पशु गणना हुई थी 18 में शुरू हुई थी, लेकिन वो आंकड़े लेट हुए थे तो 20 में आकर के उसके आंकड़े आए थे, तो उसके हैं, तो वो YouTube पर मिल जाएगा आपको, ठीक है, वहाँ देख लेना। करंट के हैं उसमें सारे, ज़्यादा बड़ा वीडियो भी नहीं है वो, और अगर नहीं मिलेगा तो मैं आज शाम को उसको अपलोड करवा दूँगा, नहीं है तो वो अपलोड करवाऊँगा शाम को मैं YouTube। नहीं, वो एक अलग है, वो अभी का नहीं है क्या, वो हो जाएगा फिर। तो पशुपालन में, पशुपालन में गाय, भेड़, बकरी, ये तीन मुख्य नस्लें हैं, गाय की, भेड़ की और बकरी की। जहाँ से प्रश्न आते हैं, भैंस से प्रश्न नहीं आते हैं, करेंगे अपन, भैंस से प्रश्न नहीं आते हैं, गाय से आता है, भेड़ से आता है, बकरी से आता है, फिर आता है ऊँट से आता है। ऊँट से एक दो बार प्रश्न पूछा हुआ है, ऊँट की कुछ नस्लें हैं, सामान्य रेगुलर नस्ल तो सबको पता है, कुछ विशेष नस्ल हैं, उन्हीं से पूछा है, जब भी पूछा है, जैसे कैरू, पाल, गफड़ा, ये तीन नस्ल हैं ऊँट की। वो हैं जो जोधपुर के आसपास गांव हैं, कैरू एक गांव है, पाल एक गांव है, और एक गफड़ा, गफड़ा गांव नहीं है, गफड़ा नस्ल का नाम है। ये प्रश्न है ऊँट का, इतना ही है, बाकी ऊँटों का प्रतिशत कितना है, या फिर करंट का प्रश्न आता है कि किस पशु का संख्या बड़ी है, किस पशु की संख्या कम हुई है, ये प्रश्न आ जाता है। अभी जो नई पशु गणना है उसमें काफ़ी चेंजेज आया है, कुछ जैसे गधों की संख्या है तो गधों की संख्या में कमी आई है, बहुत ज़्यादा कमी आई है। तो पहले अपन पशु जो नस्ल है वो करेंगे, बाकी जो मैंने बताया है, जो अपडेट है करंट का है, वो यूट्यूब पर आपको उपलब्ध हो जाएगा। तो पशुपालन में पहले अपन गाय की नस्ल करते हैं, गाय की नस्ल, गायों की नस्ल। अभी जैसे लंपी एगो डिजीज आया है, तो अगली जनगणना, सॉरी अगली पशुगणना होगी तो गायों की संख्या में भारी गिरावट आएगी, बहुत गाय मरी, तो ये थोड़ा ध्यान रखा। देखो तो गायों की नस्ल, गायों की, अब देखो राजस्थान का ये उत्तर दिशा है, ये दक्षिण है, ये पश्चिम है और ये पूरब है, तो गायों की नस्ल तो याद हो जाएगी। विशेषकर ये ध्यान रखना है इनकी दिशाओं के अनुसार कौन कौन सी दिशा में कौन कौन सा पशु पाया जाता है, ये विशेष ध्यान रखना है, अपने इसको जल्दबाजी में नहीं करेंगे। है तो सरल है, टॉपिक बड़ा नहीं है, टॉपिक बड़ा नहीं है, मैटर ज़्यादा नहीं आएगा, अगर पूरा मैटर करें लिखा हूँ तो मुश्किल से 2.5 पेज से ज़्यादा मैटर नहीं होगा, फिर आपकी राइटिंग है उस पर डिपेंड करता है कैसे लिखते हो, 2.5 से 3 पेज से ज़्यादा मैटर नहीं है पूरे का, लेकिन थोड़ा तरीके से करेंगे, एक एक नस्ल को, विशेषकर इन तीन नस्ल को ढंग से करना है, गाय, भेड़ और बकरी, ऊँटों में ज़्यादा नहीं, तीन नस्ल ही करनी है ऊँटों की। तो ये दिशा ध्यान रखना है, एक तो ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पश्चिम है, पूर्व है, ये उत्तर पश्चिम है, ये दक्षिण पश्चिम है, ये दक्षिण पूर्व है और ये उत्तर पूर्व। कभी कभी प्रश्न क्या पूछ लेते हैं कि चार दिशाएं दे दी या चार नस्ल दे दी और सामने दिशा दे दी कि बताओ कौन सा पशु नस्ल, पशुओं की नस्ल और उनकी निवास या उनकी स्थिति या उनके पाली जाने के क्षेत्र में दिशा के संबंध में कौन सा गलत है, तो उसमें से गलत छांटना होगा या सही छांटना होगा या फिर क्या करना होगा, उसको मिलान करना होगा, या तो सही छांटना है उसमें से सही को बताना है, या कोई ये गलत है गलत को बताना है, या उसको क्या करना है,
नीचे मिलान वाला ऑप्शन होगा, मिलान करना है, ठीक है। तो ये थोड़ा दिशाओं का ध्यान रखना। तो गायों की नस्ल में सबसे पहले नस्ल है अपन राठी करते हैं, राठी नस्ल, राठी नस्ल, कहीं देखे होंगे आपने YouTube पर गायों के बारे में अलग अलग विशेषताएं बता दें, कुछ भी नहीं करना है, बिल्कुल सरल सा प्रश्न आता है, सीधा सीधा सपाट प्रश्न आता है, कोई घूमने फिरने वाला प्रश्न नहीं है कि एक राठी गाय का कलर ये होता है, सींग ऐसे होते हैं, सांचोरी के सींग बड़े बड़े होते हैं, बस थोड़ा सा यूँ समझने के लिए कि हाँ ये राठी गाय है या सांचोरी, तो बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है कि कलर पूछते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अपने यार बीकानेर में जो भी नस्लें पाई जाएगी अधिकांश राठी नस्ल की गायें पाई जाएगी। कौन सी पाई जाएगी? राठी, या बीकानेर शहर की बात बता रहा हूँ। बाकी इधर आसपास आपको थारपारकर नस्ल भी मिल जाएगी, थारपारकर नस्ल जैसलमेर में। बाकी इधर जाओगे बाड़मेर, जालोर, सिरोही, सिरोही पाली ये वाले एरिया होगे तो ये सांचोरी और कांकरेज नस्ल मिलेगी। कभी कभी गायें देखी होगी आपने, बड़े बड़े सींग, ये मोटे मोटे सींग इतने बड़े बड़े एकदम ये घुमे हुए, वो या तो सांचोरी है या कांकरेज है, या तो सांचोरी होगी या कांकरेज होगी। कुछ गायों की सींग पीछे होते हैं, सीधे यूँ यूँ होते हैं, इसका मतलब वो नागौरी साइड की गाय है। कुछ गायें छोटी छोटी होती हैं, एमपी में ऐसे वाली गाय क्या, तो छोटी गाय बिल्कुल, पहाड़ी क्षेत्र में यहाँ पर आपको यहाँ छोटी छोटी गायें मिलेगी बिल्कुल छोटी गाय, ज़्यादा हाइट बड़ी नहीं, छोटी इधर, हाँ हाँ छोटी छोटी गाय, बस छोटी गाय, पहाड़ी क्षेत्र है छोटी गायें होगी। अपने यहाँ इस साइड में जैसे जैसे आगे बढ़ोगे गाय की हाइट बढ़ती, थारपारकर नस्ल सबसे ज़्यादा भारी गाय होती है, सबसे भारी गाय होती है। चलो देखो, तो कौन सी नस्ल है? राठी नस्ल, ये राठी नस्ल का हिस्सा है, ये राठी नस्ल, ये है राठी नस्ल का हिस्सा। हाँ तो देखो दिशा क्या है राठी नस्ल की? उत्तर दिशा। कौन सी दिशा? उत्तर दिशा। ये दिशा उत्तर है या नहीं है? उत्तर है। मैदान कौन सा है? गग्गर के मैदान। तो स्थिति लिखो, गंगानगर हनुमानगढ़ में है, मुख्य रूप से कहाँ पर? गंगानगर हनुमानगढ़ में, गंगानगर हनुमानगढ़ में। बहुत सरल टॉपिक है, टफ टॉपिक नहीं है, बस थोड़ा सा आराम से करो, एक प्रश्न सही हो जाएगा, चाहे वो कोई एग्जाम हो। पशुपालन अगर टॉपिक दे रखा है, प्रश्न आएगा, प्रश्न निश्चित रूप से आएगा अगर टॉपिक दिया हुआ है तो। अब वो करंट देते हैं या डेड जीकेएस देते हैं, यानी पुराना कोई नस्ल वगैरह पूछ ले, या इसका कोई क्या कहते हैं उसको, रिसर्च सेंटर पूछ ले, अनुसंधान केंद्र पूछ ले, तो लेकिन प्रश्न आएगा सिलेबस में दिया हुआ है तो। तो राठी कहाँ पर है? गंगानगर हनुमानगढ़। दिशा कौन सी हुई? उत्तर। मैदान कौन सा हुआ? गग्गर का मैदान। ये जो राठी नस्ल है ये है तो देसी, लेकिन है क्रॉस ब्रिड, संकर नस्ल है। ये जो एक गाय है लाल सिंधी, क्या नाम है? लाल सिंधी, पाकिस्तान की है, और एक गाय है साहिवाल। तो ये लाल सिंधी और साहिवाल की संकर नस्ल है, क्रॉस ब्रिड है। क्या है? क्रॉस ब्रिड है ये। तो ये नोट करके लिख लें, कभी पूछा हुआ नहीं है लेकिन आशा है कि शायद पूछ ले, बाकी बहुत कम चांस है कि पूछे, एग्जामिनर कोई भरोसा नहीं है। यह मतलब लाल सिंधी और साहिवाल की संकर नस्ल है, लाल सिंधी और साहिवाल की संकर नस्ल है, संकर ऐसे, संकर ऐसे लिखना है, क्या लिखना है? ऐसे लिखना है, संकर, संकर नस्ल है, लाल सिंधी और साहिवाल की संकर नस्ल है, ठीक है, ध्यान रखना, दिशा ध्यान रखना और जिले ध्यान रखना। कभी वो चार नस्ल दे देंगे और एक केंद्रीय जिला दे देंगे, केंद्रीय जिला मतलब जहाँ ये नस्ल सबसे ज़्यादा है। तो ये अब ये तो केवल यहीं थोड़ी है, ये बीकानेर मिल जाएगी, ये चूरू तक मिल जाएगी राठी, बीकानेर चूरू में भी मिल जाएगी। अपने यहाँ पे जो ऊँट है ना, डेयरी उद्योग, क्या
यूनिवर्सिटी है ना, एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, इसका बहुत बड़ा रिसर्च सेंटर है यहाँ पर राठी गाय का। ये कोडमदेसर, कोडमदेसर के आगे गांव है जैमलसर, जैमलसर में एक फार्म हाउस है, लगभग 2500-3000 गाय हैं राठी गाय। तो राठी गाय का रिसर्च सेंटर भी है यहाँ पर। ये इस जो राठी गाय है इसको कामधेनु भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कामधेनु भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कामधेनु। क्या कहते हैं इसको? कामधेनु कहते हैं। ध्यान रखना, क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा दूध देने वाली गाय है, सबसे ज्यादा दूध देने वाली। अमेरिकन गाय थोड़ी है, अमेरिकन गाय नहीं मानता हूं ना, गाय तो यही है, गाय तो अपने है, इंडिया वाली देसी गाय, गाय तो वही है, बाकी तो सारी सूअर की नस्ल है। नहीं है गाय राठी, और बढ़िया गाय तो देसी गाय है, जिनका दूध पौष्टिक होता है, गुणवत्ता वाला दूध होता है, चाहे पावर भरी दूध हो लेकिन उसमें क्वालिटी होती है दूध की। कभी पिया नहीं है प्योर दूध गाय है ना? हाँ, फिर अमेरिकन गाय का दूध पी लोगे? अमेरिकन है, और दूध कौन सा पीते हो? राठी का पीते हो कि अमेरिकन का पीता हो? गायों काम है क्या? कितनी गाय हैं? अच्छा, राठी भी है। हाँ, दिस तो अभी भी राठी की गाय है ना? चलो बाद में बात करता हूँ मैं आपसे। हाँ, पियर भारत और बीकानेर में तो है, अमेरिका में थोड़ी है। हाँ तो ठीक तो ये वाला एरिया होगा इसका, राठी का, ठीक है। इसको काम धेनु भी कहते हैं, क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा दूध देती है। इसको अगर अनुकूल परिस्थिति मिल जाए तो ये एक दिन का 75-80 लीटर दूध दे देती है। हाँ, अब क्योंकि इतना इतना बड़ा झूठ नहीं, झूठ नहीं है ये, लेकिन भारत में वो दशाएं नहीं है। ये कुछ गायें न्यूजीलैंड लेके गए, कहाँ से? यहाँ से कुछ गायें न्यूजीलैंड के जो कृषक हैं, पशुपालक हैं, न्यूजीलैंड का डेयरी उद्योग बहुत बड़ा उद्योग है, तो वहाँ लेके गए। ये काफ़ी यानी बात है, ये लगभग 2012-13 के आसपास। तो वहाँ पर देखा सारी दशाएं अनुकूल दी, खाना वगैरह कुछ पौष्टिक दिया, तो एक दिन का एक गाय 75 लीटर तक दूध दे रही है, और यहाँ भी दे रही है, अगर ढंग का खाना मिले, अनुकूल दशाएं मिले, तो 25-30 लीटर तो आराम से दे रही है, 30 लीटर तक दूध देती है। अरे देती है, खाना दो ढंग सा। नहीं, अब खाना दो ढंग से, खड़ दो उसको, हरा चारा दो, हरा चारा, वो चारा नहीं जो आप वो जो बाजरी वाला मोटा मोटा वो कटा हुआ चारा, बाजरी तो देते हो, ज्वार और बाजरी का वो नहीं, एक 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 चारा होता है, ये पूछ सकते हैं कभी, रिजगा। हाँ, हरा, बिल्कुल एकदम हरा चारा, इतना गाय इतना मस्त होकर खाती है, छोटा छोटा होता है, इतना यहाँ नहीं मिलेगा, यहाँ नहीं मिलेगा। एक बार उगाते हैं हरे चारे को, इसको रिजगे को, तो 4-5 साल तक चलता है वो, मतलब उगाया, काटा, फिर बढ़ जाता है, काटा, फिर बढ़ जाता है, इतना बड़ा होता है, इससे बड़ा भी हो जाता है लेकिन इससे ज़्यादा बड़ा नहीं होता है। एक बार उगाते हैं वो चारे। हाँ, गंगा साइड में होगा, बिल्कुल होगा। हाँ, वो चारा दो। अरे नहीं होता है। हाँ तो उनसे पूछो कि राठी गाय कितना है, तो आराम से 20। अरे एक टाइम का दूध, एक टाइम का राठी गाय का दूध 10-12 लीटर नॉर्मल है, 10-12 लीटर होता कितना सा है, कितना होता है? बाजार से लाते हो 1 लीटर 2 लीटर, इतना सा पानी पीने वाला 2 लोटे के बराबर 2 लीटर दूध हो जाता है, होता कितना 10 लीटर को, ज्यादा थोड़ी होता है, आराम से देती है दूध। तो ये जो चारा है रिजगा, ये पशुओं का पौष्टिक आहार है ये। तो ये कौन सी नस्ल हुई? राठी। यहां एक नस्ल है जिसका नाम है थार पारकर। क्या नाम है? थार पारकर।
थार पार कर। अब इसमें थोड़ा सा ये है कि ये कि थार को पार करके आइए, ये थार को पार करके आइए। तो कुछ कहते हैं कि थार में एक गांव है पाकिस्तान में, जिसका नाम है, एक गांव है मालानी, जो कुछ लोग कहते हैं, उनकी बात बता रहा हूँ, कि पाकिस्तान से आइए, पाकिस्तान में एक मालानी गांव है, वहाँ से आइए, जबकि वास्तव में मालानी गांव जैसलमेर में है। पता नहीं क्या है, हो सके वहीं पर भी हो मालानी गांव। इसका मूल निवास मालानी गांव है जैसलमेर के पास, और कुछ कह रहे हैं कि पाकिस्तान से आइए, इसीलिए उसका नाम थार पार कर है, थार पार करके आइए। तो जो भी हो, ये पाकिस्तान को अपन को ध्यान नहीं रखना है, ये केवल मैंने बताया है आपको, बिल्कुल ध्यान नहीं रखना है इसका। तो ये नस्ल है, ये मूल रूप से जैसलमेर का एक गांव है, मालानी गांव, जैसलमेर के पास ही गांव है ये, इसका क्या है, मूल निवास स्थान है, मूल निवास स्थान है। ठीक है, एक गुड़ा मालानी है, एक गुड़ा मालानी है जो बाड़मेर में है, यहाँ पर ये मालानी नहीं है, ये गुड़ा मालानी है और ये मालानी है। ये गुड़ा मालानी पेट्रोलियम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, पेट्रोलियम का भंडार मिला है यहाँ पर गुड़ा मालानी में। मल्लीनाथ जी का नाम सुना है ना, लोक देवता मल्लीनाथ जी, उनके नाम से पड़ गया ये मालानी। थार पार कर, दिशा कौन सी आई देखो, पश्चिमी सीमावर्ती क्षेत्र में पाई जाती है, पश्चिम के सीमावर्ती क्षेत्र में पाई जाती है, पश्चिम के सीमावर्ती क्षेत्र में पाली जाती है। कहाँ पाली जाती है, पश्चिम के सीमावर्ती क्षेत्र में। ठीक है, ध्यान रखना। पश्चिमी, प्रश्न आ जाए कि पश्चिमी सीमांत प्रदेश में पाई जाने वाली गायों की नस्ल या गाय की नस्ल, पश्चिमी सीमांत प्रदेश में पाई जाने वाली गाय की नस्ल कौन सी, थार पार्कर। कौन सी नस्ल है, थार पार्कर, ध्यान रखना। थार पार्कर। ये जो राठी है, ये दूध ज्यादा देती है, ये भी सर्वाधिक दूध देने वाली गायों में है। तो ये राठी भी डेयरी उद्योग के लिए पाली जाती है, थार पार्कर भी डेयरी उद्योग के लिए पाली जाती है। राठी और ये दोनों के लिख लो, आगे और भी आएगी, जैसे गिर नस्ल आएगी, एक गिर भी डेयरी उद्योग के लिए पाली जाती है, राठी भी डेयरी उद्योग के लिए पाली जाती है, थार पारकर भी डेयरी उद्योग के लिए पाली जाती है। किसके लिए पाली जाती है, डेयरी उद्योग के लिए। समझ गए, अब देखो ये गाय जो, जैसे राठी गाय है, थोड़ी हाइट वगैरह कम होती है, ये जो थार पारकर है ये बड़ी गाय होती है, सभी गायों में सबसे बड़ी गाय है, हेल्दी गाय है, ये भारी भरकम गाय होती है। कौन सी, थार पारकर। राठी गाय देखी होगी आपने, तो वो इतनी भारी भरकम नहीं होती है, लेकिन ये थोड़ी भारी भरकम गाय होती है। यहाँ एक गाय है जिसका नाम है नागौरी नस्ल। कौन सी नस्ल, नागौरी नस्ल, नागौर में, नागौर में, लगभग मध्य राजस्थान हो गया, मध्य राजस्थान हो गया। हाँ, एक और, ये जो थारपारकर नस्ल है ये प्रतिकूल जलवायु में रह सकती है। प्रतिकूल मतलब यहाँ क्या है, गर्मी, खाने के लिए पर्याप्त मात्रा में चारा नहीं, प्रतिकूल दशाओं में भी अनुकूल रह सकती है, प्रतिकूल दशा में भी रह सकती है, दशाओं में भी अनुकूलित हैं, प्रतिकूल दशाओं में भी अनुकूलित है।
समझ गए, ध्यान रखना ये। अभी जो नागौरी नस्ल है ये, इसका जो जन्मभूमि है इसकी, ये स्वालक क्षेत्र है। ये जो नागौर है, नागौर का आसपास का भाग स्वालक क्षेत्र कहलाता है। हाँ, स्वालक नागौरी गाय का जो जन्मभूमि है वो तो नागौर का स्वालक क्षेत्र है। ध्यान रखना, पूछ सकते हैं किस गाय का जन्म क्षेत्र स्वालक क्षेत्र कहलाता है। अब नागौरी है, नागौरी जो गाय है वो इतनी उपयोगी नहीं है जितना बैल उपयोगी है। दूध तो कम देती है ये नागौरी गाय, दूध तो कम देती है, 1 किलो 1.5 किलो हाईएस्ट, 1.5 किलो दूध तो ज़्यादा दूध में है, सबसे ज़्यादा दूध देने वाली में है राठी, फिर थार पार कर रहे हैं। ठीक है, 1 सेकंड और। तो नागौरी का जन्म स्थल क्या कहला, कौन सा है, स्वालक क्षेत्र है। नागौरी गाय इतनी ज़्यादा उपयोगी नहीं है जितना बैल ज़्यादा उपयोगी है। खेती की बैल बहुत मजबूत बैल माना जाता है इसका, जितने भी गाय हैं उन सभी गायों में नागौरी बैल सबसे मजबूत माना जाता है, भार ढोने के लिए, हल जोतने के लिए, बैलगाड़ी के गाड़ी में जोतने के लिए। तो लिख लो इसको, गाय की तुलना में बैल ज़्यादा उपयोगी है। और इसको गाय को इसी इस गाय का महत्व इसीलिए है कि हमें क्या चाहिए, बैल चाहिए, इसके लिए, बैल के लिए। नहीं, बड़े बड़े बैल नहीं है। हाँ, थोड़े यूं अलग ही टाइप के दिखेगा, क्यों हाइट वगैरह में ज्यादा ही भारी भरकम नहीं होते, लंबे होते हैं, पैर मजबूत होते हैं, जो जांगे होती हैं उनके वो बहुत मजबूत, बहुत भारी भारी काम में, पूरे उत्तर भारत में ये बैल फेमस है नागौरी। प्रश्न आया हुआ है एक बार कि नागौरी गाय का महत्व है तो क्या, बैल के ड्राफ्टिंग के लिए, बैल बैल प्राप्त करने के लिए, एक तरह से बैल प्राप्त करने के लिए उस गाय का यूज इतना ही है, बाकी दूध देने वालों में इतना ज्यादा नहीं है इसका। ठीक है, तो ये दिशा कौन सी हुई, एरिया कौन सा हुआ, मध्य राजस्थान। ओके, मध्य राजस्थान। ओके, ठीक है। मेड़ता में जितने नागौर में जितने मेले भरते हैं उन मेलों में इस गाय का, बैल का बड़ा महत्व होता है। जैसे रामदेव पशु मेला है मेड़ता में, ये जो परबतसर में भरता है परबतसर पशु मेला है, तेजाजी पशु मेला,
जोधपुर में। अच्छा वो तो विश्व वृक्ष मेला है ना, जोधपुर के खेजड़ली गांव में भादवे की नवमी दशमी को जिस दिन रामदेव जी का मेला भरता है वो दुनिया का, हाँ वो खेजड़ली पशु खेजड़ली मेला है, पशु नहीं खेजड़ली मेला है, खेजड़ली वृक्ष मेला है, जो भी जो हुआ था ना 1730 में, 363 स्त्री पुरुष बच्चे खेजड़ी को बचाने के लिए शहीद हुए थे। जोधपुर का शासक था अभय सिंह, अभय सिंह राज दरबार को कहीं लकड़ियों की जरूरत थी तो उसने अपने अधिकारी गिरधारी लाल को भेजा कि कहीं इसे लकड़ियाँ इकट्ठी करके कुछ कुछ उद्देश्य होगा, तो खेजड़ी ज़्यादा थी तो उसने खेजड़ली गांव नज़दीक पड़ता था और वहाँ पेड़ ज़्यादा थे तो उसने काटने का आदेश दिया, आदेश दिया तो फिर उसकी वजह से वो 363 स्त्री पुरुष बच्चे जिसमें अमृता देवी और अमृता देवी की 3 बेटियाँ उनके नेतृत्व में फिर पेड़ों को बचाया गया और 363 स्त्री पुरुष बच्चे पेड़ों से लिपट गए, और लिपटे तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, उस क्रूर गिरधारी सिंह ने क्या किया कि उनके साथ ही उनको काट दिया, पहले तो उनको काटा और फिर पेड़ों को काट दिया, उसीलिए नवमी दशमी को मेला भरता है खिजड़ली गांव में। हाँ केवल जोधपुर में भरता है वो खिजड़ली पशु मेला वृक्ष मेला जोधपुर में भरता है। वैसे वृक्षों को बचाने के लिए जोधपुर में एक गाँव है रामासड़ी, रामासड़ी गांव में कर्मा और गोरा नामक के दो व्यक्ति थे, वो भी पेड़ों को बचाने के लिए अमृता देवी से पहले शहीद हुए थे, 1604 के आसपास की बात है अमृता देवी, ये तो 1730 की बात है, 150 साल बाद यानी 125 साल बाद की बात है। अब ये जो एरिया ये बाड़मेर है और ये बाड़मेर और ये जालौर, यहाँ दो नस्ल हैं, यहाँ पर दो नस्ल हैं, एक है कांकरेज और एक है सांचोरी। तो पहले लिखो कांकरेज, कांकरेज नस्ल, कांकरेज नस्ल। दिशा कौन सी है, देखो जिला तो हो जाएगा, दिशा कौन सी है तो दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्र में पाई जाती है, दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्र में पाली जाती है। सीमावर्ती क्षेत्र में पाली जाती है। अब ये बाड़मेर जिले कौन से है तो मैंने बताया है, क्योंकि कांकरेज का मुख्य केंद्र है ना वो बाड़मेर है, तो लिखो ये नहीं है कि केवल बाड़मेर में ही है, बाड़मेर जालौर पाली सिरोही जोधपुर, बाड़मेर जालौर पाली सिरोही और जोधपुर। ये जो कांकरेज है ये सांचोरी की ही नस्ल है, कांकरेज किसकी नस्ल है, सांचोरी की नस्ल है, सांचोरी की नस्ल है या सांचोरी की उप नस्ल भी कह सकते हो, सांचोरी की ही नस्ल है, सांचोरी की नस्ल है यानी सांचोरी परिवार की गाय है, ये सांचोरी परिवार की गाय है। सांचोरी ये जो जालौर का सांचोर क्षेत्र है, जालौर का सांचोर ये यहाँ नहीं है, सांचोर थोड़ा सा यहाँ है, ये यहाँ पर है सांचोर, दूसरा लिखो सांचोरी नस्ल, सांचोरी नस्ल। सांचोरी नस्ल मुख्य केंद्र जालौर का सांचौर क्षेत्र है, मुख्य केंद्र जालौर का सांचौर तहसील में सबसे ज्यादा पाई जाती है, मुख्य सांचौर, सांचौर तहसील है एक, सांचौर जिसको राजस्थान का पंजाब कहते हैं, सांचौर को राजस्थान का पंजाब कहते हैं। राजस्थान का क्या कहते हैं, पंजाब कहते हैं सांचौर को,
क्योंकि यहाँ एरिया है, ये सांचौर वाला क्षेत्र है, ये पांच नदियों के आसपास फैला है, इसलिए पंजाब कहते हैं। पंज पंच जाब पंच पंच यानी पांच, आब पंजाब, पंज आब, आब यानी नदी क्षेत्र, जल क्षेत्र, पंज पंज यानी पांच, पंजाबी में कहते हैं पांच को पंज, पंजाबी कहते हैं पंज पंजाब, इसीलिए वो पंजाब हो गया। इसीलिए राजस्थान का पंजाब किसको कहते हैं? सांचौर को कहते हैं। सांचौर कहाँ है? जालौर में, लूणी नदी के पास है, लूणी नदी के, ये यहाँ लूणी नदी है, ये लूणी नदी, ठीक है। तो ये दोनों दिशा को इसकी हुई, दिशा कौन सी हुई? दक्षिण और पश्चिम दिशा, दक्षिण पश्चिम दिशा, नहीं दक्षिण पश्चिम दिशा हो। इनकी बड़ी विशेषताएं हैं, देखो राठी गाय है तो गाय उपयोगी है, वैसे इसका बैल भी उपयोगी है, ऐसा नहीं है कि बैल उपयोगी नहीं है, थार पारकर बैल भी उपयोगी है और गाय भी उपयोगी, बहुत ज़्यादा दूध देती है। ये जो नस्ल है, इस नस्ल का बैल बहुत ज़्यादा उपयोगी है, जितना नागौरी बैल का है उससे थोड़ा सा ही कम उपयोग है इसका। तो ये क्या कहलाती है? एक नोट डाल के लिखो, देखो कांकरेज और सांचोरी नस्ल, कांकरेज और सांचोरी नस्ल द्विप्रायोजनी नस्ल है। कैसी नस्ल है? द्विप्रायोजनीय नस्ल है। द्विप्रायोजन मतलब गाय का भी उपयोग है डेयरी उद्योग के लिए है, ये राठी जितना दूध तो नहीं देती है लेकिन काफी दूध देती है, देसी गाय है बिल्कुल। देसी गाय है एरिया कौन सा हुआ? दक्षिण पश्चिम का एरिया हो, समझ गए? कितनी नस्ल हुई? पांच, एक दो तीन चार दो, ये पांच हैं। यहां एक नस्ल है, वही नस्ल यहां पर आ जाती है, वही नस्ल कहाँ आ जाती है? यह नस्ल है जिसका नाम है गिर, गिर नस्ल। कौन सी नस्ल? गिर नस्ल। गुजरात में एक जगह है गिर क्षेत्र, काठियावाड़ में, गुजरात का जो काठियावाड़ क्षेत्र है उसमें एक एरिया है गिर कहते हैं उसको, गिर उद्यान है ना, टाइगर प्रोजेक्ट है गुजरात में स्थित है गिर, ये जो एरिया है ये गुजरात का ये वाला एरिया, यहाँ एक काठियावाड़ क्षेत्र है, उस काठियावाड़ क्षेत्र में एक एरिया है गिर, वहां पर है ये गाय, कहाँ पर है? गिर क्षेत्र, और राजस्थान उसके नजदीक ही है। ये जो मैंने पहला गोला कर रखा है, चलो थोड़ा ढंग से बताया जाए इसको, भारत का ये नक्शा, ये काठियावाड़ क्षेत्र और ये क्या है? राजस्थान है, ये राजस्थान, और ये जो नीचे वाला गोला किया है वो ये है और ये दूसरा गोला है, तो ये राजस्थान के, और गुजरात में बड़ी संख्या में ये गाय पाली जाती है, कौन सी? गिर नस्ल, बहुत ज़्यादा दूध देने वाली, ज़्यादा दूध देने वाली, डेयरी उद्योग के लिए पाली जाती है। तो ये मूल रूप से कहाँ की है? गुजरात की है। राजस्थान में कहाँ पर है? दक्षिणी राजस्थान, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर में पाली जाती है। राजस्थान में एरिया दक्षिण लिख लो, दक्षिणी राजस्थान में डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, राजसमंद में,
डूंगरपुर, बांसवाड़ा, राजसमंद में। नहीं अभी नहीं लिखना अजमेर। उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा यानी दक्षिणी राजस्थान में। गिर को रेड़ा भी बोलते हैं, रेड़ा रेड़ा, कहीं कि रेंडा भी लिखा होगा, रेंडा रेड़ा लिख लो आप, तो क्या बोलते हैं, रेड़ा बोलते हैं गिर को, दक्षिणी राजस्थान में रेड़ा बोलते हैं, और अजमेर में इसको अजमेरा बोलते हैं। अजमेर में क्या बोलते हैं, अजमेरा बोलते हैं अजमेर में, इसको क्या कहते हैं, अजमेरा बोलते हैं। मध्य राजस्थान में अजमेरा बोलते हैं। समझ गए। ये डेयरी उद्योग के लिए पाली जाती है, यानी कौन कौन सी, ये सारी देखो, राठी को छोड़, इस नागौरी को छोड़ दो तो सारे डेयरी उद्योग के लिए हैं, सारे क्या है, डेयरी उद्योग के लिए। सारे किसके लिए है, डेयरी उद्योग के लिए, ध्यान रखना। कितनी नस्ल हुई, 6 नस्ल। एक नस्ल यहां पर है, यहां मैंने एक एरिया बताया था आपको, क्या बताया था, मालवा, मालवा बताया था, मालवा। एक बार पूछा हुआ प्रश्न है, अभी अभी के किसी एग्जाम पूछा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक क्षेत्र राजस्थान में नहीं है, उसमें ऑप्शन में मालवा था, मालवा राजस्थान में नहीं है। मालवा कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में, मालवा मध्य प्रदेश। बाकी उसमें हाड़ोती, मुकुंदवाड़ा और कुछ, दो ऑप्शन, एक ऑप्शन और था, एक मालवा था इसमें। तो मालवी नाम की गाय की नस्ल भी है, जो राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमावर्ती क्षेत्र में पाली जाती है, राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमावर्ती क्षेत्र में पाली जाती है, राजस्थान और मध्य प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्र में पाली जाती है। राजस्थान और मध्य प्रदेश सीमावर्ती हुआ ना, ये डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, ये भीलवाड़ा, कोटा, बूंदी, ये झालावाड़, ये वाला एरिया कोई ज़्यादा नहीं है। छोटी गाय बता रहे, छोटी गाय, वो ये छोटी गाय, पतले पतले पैर, छोटे छोटे पैर, इतनी तीस गायें, कोई दूध पाव देती है, कोई आधा किलो देती है, कोई किलो देती है, बहुत कम देती है। मैं तो रहा हूँ इस एरिया में। गायें बहुत, गायें उदयपुर में, मेवाड़ में सबसे ज़्यादा गायें मानी जाती है, मेवाड़, दूध नहीं। मैं वहाँ रहा हूँ 2 साल तक, चित्तौड़गढ़ के एक भैंसोड़गढ़ ब्लॉक है, गायें बहुत, टोले टोले गायों के, गया भैंस बहुत है, भैंसे हैं, ज़्यादातर भैंस पालते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा भैंस तो जैसलमेर में ये मिलेगी, अलवर और जयपुर क्षेत्र में। तो उनसे पूछा मैं, गाय दूध के, सर दूध तो भैंस का मिलेगा, मैं गाय का, गाय इतनी है कि देती कहाँ दूध, कोई पाव, कोई आधा किलो, इतना सा दूध, कि छोटी छोटी गाय हैं, हरा चारा है खाने के लिए, लेकिन गाय 1.5 किलो तो भैंस दूध देती है। बड़ा मुश्किल से एक जना सेट हुआ कि ठीक है मैं दे दूंगा आपको, लेकिन दूध एकदम बढ़िया, दूध प्योर, क्योंकि पानी वगैरह कितना डालेगा, कि हम पानी नहीं डालते अपने यहाँ, तो गाय तो एक दूध कितना, 100 किलो दूध बेच रहा है रोज का, पानी केमिकल डिलाट डाल के। अभी मैं किसी के वहाँ गया था, परिचित ही है वो मेरे, तो ऐसे किसी ने घी मांगा, तो कोई डिलीवरी का मामला था, तो मैं घी लेने वहाँ गया, गाय कुछ नहीं है वहां पर, गाय तो एक बांधी हुई,
और पादूत के ड्रम भरे हुए पड़े हैं। वो उसका बाप है, वो उसको यूँ दूध को यूँ उछाल रहे जैसे पानी यूँ उछाल रहे, यूँ डब्बा ले भर भर। मैं क्यों यार, ये तो थोड़ी गड़बड़ी है कहीं कहीं, ये तो भारी गड़बड़ी लग रही है। इस प्रकार दूध कर रहे हो, ये डिब्बों में यूँ हिला रहा है उनको और सामने बढ़ा है। मैं क्यों यार, एक गाय है कहीं पर, ताम झाम दिख नहीं रहा है, थोड़ा गाय होती है तो दिखे तो सही ना, गाय है एक गाय। मैंने भाव पूछे घी के और मैं वापस आ गया वहां से, क्योंकि सामने पड़ा है पाप। हाँ है ना, ये बॉर्डर वाला एरिया सारे आएंगे, ये बॉर्डर वाला एरिया सारे आ जाएंगे, ये यूं मध्य प्रदेश से बॉर्डर वाले सारे आ जाएंगे मालवी नस्ल के। एक यहाँ पर है एक नस्ल, ये इस पट्टी में, ये राजस्थान और हरियाणा के बॉर्डर पर, जिसका नाम है हरियाणवी नस्ल। हरियाणवी नस्ल, ये दिशा कौन सी हुई मालवी नस्ल की? दक्षिण पूर्व की, दक्षिण पूर्व की। दक्षिण पूर्व की, और हरियाणवी की कौन सी है? उत्तर पूर्व की है। हरियाणवी उत्तर पूर्व की, उत्तरी पूर्वी सीमा, ये वाले यहाँ पर। ये गायों की नस्ल कितनी हो गई? आठ हुई है। देखो अभी करते हैं वापस, कॉपी में देखो। जितनी कॉपी में है उतने प्रकार की है। कॉपी में कितनी है? तो बस इतनी प्रकार है, कुछ नहीं करना है बस। राजस्थान और हरियाणा के बॉर्डर वाले यानी जिले लिख लो, चाहे चूरू झुंझुनू सीकर जयपुर अलवर भरतपुर, चूरू झुंझुनू सीकर जयपुर अलवर भरतपुर, चूरू झुंझुनू सीकर जयपुर अलवर भरतपुर, यहाँ कौन सी नस्ल? राठी। यहाँ कौन सी? थार पार कर। ये ना गौरी, ना गौरी, ये कांकरेज, और ये सात चोरी। यहाँ पर गिर नस्ल, यहाँ पर भी गिर नस्ल जिसको अजमेरा कहते हैं, यहाँ पर मालवी, और ये हरियाणा, ये हैं गायों की नस्ल। नक्शा दे दे, एग्जाम में नक्शा दे सकते हैं, मानचित्र दे दिया, ठीक है। मानचित्र देकर क्या करेंगे कि कैसा प्रश्न आ सकता है मानचित्र से, प्रश्न दे दिया ए बी सी
सी और डी। ठीक है, इसमें यहाँ पे ए कर दिया, यहाँ पे बी कर दिया, यहाँ सी कर दिया और यहाँ डी कर दिया, या नंबर दे दिए कोई जरूरी नहीं, 1, 2, 3 और 4 दे दिया। अब क्या करेंगे कि 1, 2, 3, 4, चार ऑप्शन, चार ऑप्शन इसमें दे दिया। अब चारों की नस्ल कौन कौन सी है इन स्थानों पर? हाँ, अब क्या करेंगे, एक ऑप्शन में चार नस्ल देंगे, इसमें भी चार, इसमें भी चार और इसमें भी चार, चार नस्ल का समूह दे देंगे। अब बताना है आपको क्रमशः कौन कौन सा, यानी एक नंबर पे यहाँ कौन सी है, राठी, दो नंबर पे कौन सी है, नागौरी, तीन नंबर पे कौन सी है, सांचौरी और फिर कीर, ऐसे दे देंगे, एक क्रमशः दे देंगे। समझ गए? या हाँ ऐसे ही, वो दूसरा तरीका नहीं लागू हुआ, आरपीएससी का इतना नहीं है कि वो दूसरा तरीका एक और है वो लागू करें, इस प्रकार प्रश्न आ सकता है। दूसरा प्रश्न यही दिशा का आ सकता है, दिशा का क्या आएगा, चार नस्ल दे दी, मालवी, जरूरी नहीं है कि गायों की दे, बकरी की दे दे, बकरी की दे दे, भेड़ की दे दे, पूगल, राठी, गाय है, एक दे दे खैरी। अब दिशा पूछ रहे, निम्नलिखित पशुओं की दिशा, कोई वो उनको कोई मतलब नहीं है कि गाय है कि भैंस है, घोड़ा है, गधा है, आपको दिशा बतानी है, आपको भी ध्यान नहीं रखना किसकी है, लेकिन ध्यान तो रखेंगे ना अपन, तो तभी तो पता चलेगा कि खेरी क्या है, पूगल क्या है। एक एक क्या करते हैं, सार सबसे सरल प्रश्न है ये, उस प्रश्न में क्या करना है आपको दे देंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी एक भेड़ की नस्ल नहीं है, नस्ल नहीं है, एक दे दिया पूगल, क्या दे दिया पूगल, दूसरा दे दिया मगरा, तीसरा दे दिया चोकला, चौथा दे दिया मारवाड़ी, चारों की चारों भेड़ की नस्ल है, लेकिन प्रश्न क्या पूछा है कि कौन सी भेड़ की नस्ल नहीं है, तो इस मारवाड़ी को यहाँ पर भेड़ की नस्ल नहीं मानना है, क्योंकि मारवाड़ी बकरी भी है, मारवाड़ी घोड़ा भी है, मारवाड़ी बकरी भेड़ भी है। क्या पूगल नाम की बकरी है क्या कोई? नहीं, केवल भेड़ है। मगरा केवल भेड़ है, चोकला केवल भेड़ है, तो हम क्या करेंगे, मारवाड़ी। फिर क्वेश्चन, इस क्वेश्चन पर कुछ स्टूडेंट विवाद उत्पन्न करेंगे कि ये मारवाड़ी तो बकरी भी है, भेड़ भी है, घोड़ा भी है। अरे भाई ये तीन क्या है, इसका मतलब उसको ज्ञान ही नहीं है, ये तीन क्या है कि तीनों भेड़ हैं, तो ये क्या हो गई कि ये भी भेड़ है, तो क्या ये गा वो नहीं है क्या, बकरी नहीं है क्या, क्या है गधा, घोड़ा नहीं है क्या, हाँ घोड़ा है, तो फिर ये अपने आप पे अलग हो गई ना, आप इसको भेड़ क्यों मान रहे हो? वो क्या मान मांगने के लिए, बोनस मांगने के लिए, उनको ये पता नहीं है कि बोनस ऐसे नहीं मिलते कि दो दो नंबर दे दो सबको बांट दो भाई दो दो नंबर, ऐसे बोनस नहीं होता है, बोनस का बताऊंगा मैं एक दिन तरीका, बोनस कैसे मिलता है, बोनस कैसे दो दो नंबर दिए जाते हैं सबको, नहीं बोनस में दो दो नंबर सबको बांटे नहीं जाते हैं, नंबर डिवाइड किए जाते हैं टोटल क्वेश्चन में बचे हुए नंबर, जैसे मान लो 10 प्रश्न है, 100 क्वेश्चन है, 100 में से 5 क्वेश्चन डिलीट हो गए या विवादित है,
तो 10 नंबर हुए ना, दो दो नंबर के, तो वो 10 नंबर 95 क्वेश्चन में डिवाइड कर दिए जाएंगे, फिर दिए जाएंगे, फिर आपके सही है तो आपको, अब पहले 2 नंबर का प्रश्न था, अब वो 2.1 या 2.2 का प्रश्न हो जाएगा, ऐसे होता है। ठीक है, तो ये अपने गायों की नस्ल कंप्लीट, कल करेंगे भेड़ या बकरी की नस्ल, इम्पोर्टेंट है।